दोस्तों इस साल 150th एनिवर्सरी ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑल ओवर वर्ल्ड सेलिब्रेट हो रहा है। क्या आप सब जानना नहीं चाहोगे पीरियोडिक टेबल होता क्या है, क्यों और कैसे बना? तो चलिए जानते हैं इस शॉर्ट स्टोरी में अपने इन क्वेश्चंस का आंसर। ये कहानी है हेनी ब्रांड की, जो एक बिजनेसमैन था, पर अब बिजनेस है तो अप्स एंड डाउन्स तो चलते ही हैं। तो इन महाशय की जिंदगी भी रोलर कोस्टर की राइड ही थी। बिजनेस में लॉस हुआ, जिनसे भी कर्ज लिए थे उनका आना जाना शुरू हुआ। कितनी भी कोशिश क्यों ना करे पर पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया और वह बैंकरप्ट हो गया। अब उसने सोचा कि एक फिलोसोफर स्टोन बनाया जाए, जिस पर अगर बेस मेटल जैसे लेड को रब करेंगे तो वह गोल्ड बन जाएगा। ये एक मिथिकल स्टोन है जो कोई आज तक बना नहीं पाया था। पर हेनिन ने कोशिश की, 1000 लीटर यूरिन कलेक्ट किया, बॉइल किया, डिस्टिल किया, रेसिड्यू को मिक्स किया, जब तक उससे सॉलिड सब्सटेंस नहीं बन जाता। जब सॉलिड बना तो वह पेल ग्रीन ग्लो कर रहा था। गोल्ड बनाने निकले थे हेनिन ब्रांड, गोल्ड तो मिला नहीं, फॉस्फोरस बना डाला। पर अपनी इस डिस्कवरी को दुनिया से छुपा कर रखा। 1000 लीटर यूरिन से सिर्फ 60 ग्राम फॉस्फोरस मिला था। दुनिया से कब कुछ छिप सकता था? दुनिया के हर कोने में अलग अलग एलिमेंट्स को डिस्कवर करने की होड़ थी। रॉबर्ट बॉयल को किसी तरह हेनिन की फॉस्फोरस रेसिपी के बारे में पता चला। उन्होंने अपने असिस्टेंट्स के साथ मिलकर डिस्कवरी को और भी रिफाइन किया और दिया दुनिया को फॉस्फोरस एलिमेंट। एंटोनी लवोइजर, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था डिस्कवरी ऑफ द रोल ऑक्सीजन प्लेज इन कम्बशन। इसके साथ साथ उन्होंने प्रेडिक्ट किया एग्जिस्टेंस ऑफ सिलिकॉन। उन्हें उनके सभी एक्सपेरिमेंट में यही कंक्लूजन मिला, मेटल में चेंज इट्स फॉर्म्स और शेप बट मास ऑलवेज रिमेन्स सेम, जो आगे जाकर हमें मिला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो है मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। टाइम बीतता गया, एलिमेंट्स की डिस्कवरी की जैसे बाढ़ ही आ गई हो। इतने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे पर उनकी कोई फिक्स क्लासिफिकेशन नहीं थी। जस्ट इमेजिन, आपके स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हों, उन्हें कोई क्लास अलॉट ना की जाए और पढ़ाने के लिए बोला जाए 1st to 12th ऑल क्लास मिक्स हो, तो क्या होगा? क्योस्क, कंप्लीट क्योस्क और कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन को कम करने के लिए हम स्टूडेंट को क्लास अलॉट करते हैं ताकि हम उन्हें आसानी से पढ़ा सकें। तो अब यही कोशिश साइंटिस्ट की थी कि एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए, पर जितनी साइंटिस्ट उतनी ही बातें। जॉन वॉल्फगैंग डॉबिनियर एक जर्मन केमिस्ट थे जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुए अपना फर्स्ट लाइटर बनाने के लिए, पर साथ ही साथ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन सबसे पहले उन्होंने ही दी थी। जोहान वॉल्फगैंग डॉबिनियर, he explains relationship between the properties of element and their atomic weight. उसने एलिमेंट के प्रॉपर्टीज और उसके एटॉमिक वेट के ऊपर एक रिलेशनशिप बताया। He formed triad, which means group of three elements. उसने एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स को रखा, in which mean mass of first and third element is equal to the mass of second, जिसमें कि पहले एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट का मीन मास सेकेंड एलिमेंट के इक्वल होता है। He could identify only 3 triads, means 9 element only. Other elements not fit in his triad formation. बाकी जो elements थे उन 9 के अलावा उसके triad formation में fit नहीं आ रहे थे। Hence, this classification later on discarded. पर आगे चलकर इस classification को नकार दिया गया। J.A.R. Newland ने chemical element arranged किया according to the increasing atomic weight. इसमें interesting बात ये थी कि उन्होंने बताया, जैसे म्यूजिकल नोट में सारे गामा पाधा नीसा, हर पहला नोट
आठवें नोड से मैच करता है, उसी तरह पहला एलिमेंट अपने आठवें एलिमेंट के साथ अपनी प्रॉपर्टीज शो करेगा। पर सिर्फ इतना ही काफी नहीं था, कोशिश तो उन्होंने 56 एलिमेंट को अरेंज करने की थी, लेकिन 20 एलिमेंट्स को ही प्रॉपरली अरेंज कर पाए। और उन्होंने कुछ सिमिलर एलिमेंट्स को डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ प्लेस किया, जैसे कोबाल्ट और निकल को क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ, और आयरन को कोबाल्ट निकल से सिमिलर होने के बावजूद उनसे अलग रखा। और ये भी मान लिया कि भविष्य में और एलिमेंट डिस्कवर हो ही नहीं सकते। जब स्थिरता सृष्टि का नियम नहीं है, तो कोई कैसे कह सकता है कि भविष्य में ऐसा नहीं हो सकता। डिमिट्री मेंडलीव ने जब अपनी रिसर्च शुरू की, 63 एलिमेंट्स नोन थे। मेंडलीव ने एलिमेंट का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना बेसिस किया अपने क्लासिफिकेशन के लिए। उसने 63 कार्ड्स लिए, सब पर उनकी प्रॉपर्टीज लिखी, फिर उन्हें बहुत बार अरेंज किया, बार बार किया कि कभी तो कोई पैटर्न बनेगा। फिर एक दिन मेंडलीव को थक कर अपने डेस्क पर ही नींद आ गई। सपने में उन्होंने एक अरेंजमेंट देखी, उनकी नींद खुली और खुलते ही नींद टेबल पर रखे कार्ड से उन्होंने एक वही अरेंजमेंट बना दिया और देखते हैं कि एक सेट पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब बात करते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की अचीवमेंट्स की। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट, उन्होंने भविष्य की संभावनाओं को खुला रखा और अपने टेबल में गैप रखे जिसमें भविष्य में एलिमेंट फिट हो सकते थे। अब यहाँ मेजर रोल आता है हमारी संस्कृत का, जिसे हम भूलते जा रहे हैं लेकिन विदेशी अपना रहे हैं। तो मेंडलीव का एक फ्रेंड था ऑटो वॉन बोहटलिंग। वो एक संस्कृत स्कॉलर थे जो कि पननी के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। पननी एक स्कॉलर थे जिन्होंने संस्कृत ग्रामर का एक ग्रंथ बनाया था। मेंडलीव भी उनकी वजह से संस्कृत में जुड़े थे। और जैसे पननी ने अरेंज किया साउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फोनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, मेंडलीव अरेंज्ड एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। इसी से मेंडलीव पीरियोडिक लॉ बना, which states that the properties of element are the periodic function of their atomic masses. And future में discovered होने वाले elements का first word संस्कृत से ही लिया, जिसकी properties boron से similar थी, एका boron, इसी तरह एका aluminium और एका silicon. Major achievement of Mendeleev periodic table for future element was noble gas late discovered हुई, पर उनकी non-reacting nature से उन्हें separate group में जगह मिली without disturbing the existing order. Achievement से सबको यही लगा मेंडलीव का बनाया periodic table सबसे perfect है, पर हम भूल गए कि हम भी इंसान हैं, तो perfect कैसे हो सकते हैं। इसी तरह मेंडलीव के periodic table में भी कुछ खामियां थी। हाइड्रोजन की कोई fixed position नहीं थी, सभी element atomic mass को regular manner में follow नहीं कर रहे थे, और तो और isotope जो होते हैं same element के पर मास की वजह से उन्हें डिफरेंट ग्रुप में रखा गया। मेंडलीव की सभी लिमिटेशन को हटाया हेनरी मोजले ने बाय चेंजिंग वन पीरियोडिक लॉ इनटू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, व्हिच स्टेट्स दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन फॉर देयर एटॉमिक नंबर। यही बेसिस बना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, जो आज एग्जिस्ट करता है। 150 साल पहले बने पीरियोडिक टेबल की कहानी पर अब मैं विराम लगाता हूँ। होप यू ऑल हैव एंजॉयड एंड हैव सम आइडिया अबाउट द जर्नी ऑफ पीरियोडिक टेबल।